वेलकम बैक दोस्तों तो हम वापस से नया अपना पार्ट कंटिन्यू करते हैं और ये लेसन मे बी शायद खत्म होने के टाइम पे ही आ गया है छोटा ही बचा है मे बी ट्राइबल इंडियन ट्राइबल्स रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स सुन आफ्टर द एस्टेब्लिमेंट ऑफ दियर अथॉरिटी ओवर इंडिया ब्रिटिशर्स वेयर अपटूज इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया मतलब अलग अलग पार्ट में फैले हुए थे इन <laughs> महाराष्ट्र

impressive policy through their rewards. It was not just tribal reward, but it was important step to overthrow the British regime. The tribal revolt did not take place suddenly. The root of uh, this revolt lie in the exploitation of uh, tribal by the evil nexus of uh, Zamindar, moneylender, and the British ruler. There are uh, many factors that lead to tribal revolt against the British rule. This case on their revolt are as follows. tribal revolt for मतलब कैसे किया वो आपको बताते हैं फर्स्ट पॉइंट द ट्राइब वेयर नॉट हैप्पी विद द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिश इन देयर ओन एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस फ्रॉम मैनी ईयरस ही दे हैड बीन लिविंग पीसफुली विद देयर नेचर द मुगल एंड द दिकॉन किंगडम हार्डली इनफेयर इन देयर डे टू डे लाइफ हाउ एयर द ब्रिटिश डिजायर एक्सप्लोरिंग द नेचर रिसोर्स मेड दैम रिएबल एंड स्टैंड अगेंस्ट द गवर्नमेंट मतलब उनका फर्स्ट पॉइंट में क्या कहना है वो लोग हैप्पी नहीं थे कि आ, ब्रिटिश लोग का राज हम लोग पर चल रहा है वो भी हमारे ही एरिया के अंदर क्योंकि हम बहुत सालों से अपनी पीसफुल लाइफ जी रहे थे हमारे नेचर के साथ जो मुगल और दि किंगडम है जो नॉर्मली किंगडम है वो लोग ने भी इंटरेस्ट लाया था हमारी डे टू डे लाइफ में लेकिन वो हार गए थे लेकिन ब्रिटिश एक्सप्लोर्ट करके हमें ही भड़का के हमारे ऊपर कर रहा है इसलिए वो अगेंस्ट हुए गवर्नमेंट के सेकेंड पॉइंट है मोस्ट ऑफ द ट्राइबल लाइक रामोशीज एंड कोलिस अटैक मनी लैंडर्स मनी लैंडर्स एक्सप्लोर्टेड पुअर एंड इलिटरेट ट्राइबल्स दे वॉज ग्रोइंग डिसकनेक्टिंग अमंग द ट्राइबल्स तो दो जो थी रामोशनीन कोलिस वो लोग मनी लैंडर के ऊपर अटैक करते थे क्योंकि मनी लैंडर्स क्या कर रहे थे जो गरीब ट्राइबल पीपल थे उनको अपना टारगेट बना के दूसरे गरीब ट्राइ दूसरे या किसी भी ट्राइब पीपल से भड़का देते थे झगड़ा करा देते थे अलग अलग करा देते थे यानी उनकी यूनिटी तोड़ रहे थे रिगार्डिंग दिस द चीफ एम वाज द टीच लेसन टू द मनी लैंडर हु यूज्ड टू चीट पुअर

उनको पता ही नहीं कि हमें हमें धोखा जा रहा है द ब्रिटिश विशेष टू क्रिएट अ मोनोपोली ओवर फॉरेस्ट अ ब्रिटिश की विश हुई कि मैं यहाँ पे एक मोनोपोली ओवर द फॉरेस्ट अनलाइक इंडियन रूलर द ब्रिटिश कुड नॉट अंडरस्टैंड द अटैचमेंट ऑफ अ ट्राइब्स ऑफ देयर ओरिजिनल इनहेबिटेंट दे लीव इन हिली रीजन्स एंड द फॉरेस्ट दे लीव इन हारमोनी विद Nature, they didn't like the British attitude and exploration of a nature wealth of their scale of their material development. They the certainty of a Britisher over their forest zone creation and a reversed forest and attempt to monopolize forest wealth made tribe rebellious. The British dispute the traditional economics setup. They devoid the tribal people of their traditional economic setup and hence their tribal were forced to serve the mineral labor and miner. They were instead against British, had host, hostile personal like Vindu, Padke, Timbake, Dangle, and Umaji Naik. थे वो लोग भड़क गए ब्रिटिश के ऊपर क्योंकि हमारी पीसफुल लाइफ में तुम लोग क्यों कर रहे हो हमारे नेचर के साथ क्यों तुम्हें जो करना है करो लेकिन हमारी लेकिन वो लोग ने उन पर राम राज करना चाहा जबरदस्ती फोर्स करके उन्हें काम अपना नौकर बनाया तो सबसे पहला उन, उन, पर्सनैलिटीज लाइक और देवेर इंटेज अगेंस्ट ब्रिथिज और वो लोग अगेंस्ट क्योंकि ऐसी पर्सनैलिटी थी उन लोग के पास मतलब देख के बोलते हैं ना राड़ा एकदम खतरनाक तो कौन कौन थे वो वेधु पढ़खे वसु वसुदेव पढ़खे तिंबक दांगले एंड उमाजी नाइक द अपराइजिंग ऑफ रामोसिस रामोसिस ऑल्सो नोन एज अ ब्रीड वॉज ए नामरेटिक ट्राइब मतलब ब्रीड यानी जाति उसकी प्रजाति है जैसे कुत्तों में बोले जाता है कि हस्की की ब्रीड अलग है गोल नाक वाले कुत्ते की अलग ब्रीड है तो वैसे इसमें ये लोग ने एग्जाम्पल दिया था कि जाति में भी अलग अलग जाति रहती है तो जो रामोसिस ट्राइब पीपल थे ऑफ द हंटर ग्रेदर फाउंडेड इन लार्ज स्केल इन वेस्टर्न महाराष्ट्र और ये ज़्यादातर इनके ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पाए जाते थे वेस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र लार्ज स्केल में दे सर्व एज अ फाइटिंग फोर्स इन मराठा आर्मी Well known for the, their barvi, they in the early nineteenth century, the commercial British national forest policy and the conflict the over the forest used for them to struggle against the British after a. रूल्स अब ब्रिटिश रूल आफ्टर द फाइनल डिफेक्ट ऑफ द मराठा इन एटी एटी द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्री ऑफ द बॉम्बे प्रोविशंस फाउंड इट डिफिकल्ट सपोर टू एक्टिव ऑफ रामोसिस मतलब वो लोग हार गए ब्रिटिश वाले अठारह सौ अठारह में महाराष्ट्र बॉम्बे वाले कि अब तो रामोसिस की जो प्रजाति है जो मराठा आर्मी के लिए काम करती है अब हम उनसे ज़्यादा नहीं कर सकते और डर सी गई थी मतलब बोलते हैं ना एक डर सा आ गया था अचानक से सिंस द मराठा रूल वॉज ओवर दे बिकम अनएम्प्लॉयमेंट और फिर वो लोग ने कुछ पॉलिसी अचानक से ऐसी चली कि मराठा रूल ही ख़त्म कर दिया ब्रिटिश ने तो जो बचे कुछ थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए दे वेयर वर्किंग पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ महाराष्ट्र विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटरी सेटअप The local tribe like romosis a local type, yeah? and Bill were neglected. Most of them they removed from job. This led to rising disconnected in their mind against the British. Through Romasis were unemployment, they were conflict of themselves as they were armed. They were ready to join anyone who would provide them suitable. एम्प्लयमेंट और फिर वो लोग का दिमाग सटका वो लोग बोले अब हम लोग को वो कोई हम किधर भी ज्वाइन होंगे सिर्फ उसके ज्वाइन होंगे जो हमें अच्छा सुटेबल एम्प्लॉयमेंट देगा अच्छी हैसियत देगा अच्छा खान पीन देगा उसी के बाद जाएंगे द इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएटेड बाई फेमस एंड अ ब्रिटिश रिमेन हैड अडवरेज इफेक्ट ऑन द पीपल दिस रामोस इज लीड द बैनर ऑफ रिवॉल्ट अंडर द स्प्रिटेड लीडर उमा जी नायक ही हैज़ असोटेड बापू थाम revolt against the British rule. The uh, revolt is a lot of uh, trouble for the British rule. They lived in the forest and people and uh, sipped thorns for them since they did not harm the poor people. So the cottage they attacked the money and rich people who were exploring the exploiting the masses from 1880. To 8029. This ruler was untied, unminded in the hills around for the fort Tor Toran Torna. Throughout their leader Umaji was captured and put to death by British. They never lost their struggle. Ramesses were so uh, troublesome that after few years, British tried to pacify them by granting land as well as. रिकनेक्टिंग दैम एज हिल पोलिस मतलब अब वो लोग क्या करने लगे हिल पोलिस से उन्हें गिरफ्तार कराने लगे रामो जी मर गए सॉरी रामो जी नहीं उमा जी जो थे वो कैप्चर किए फोर्ट को और फिर उनकी डेथ हो गई बाई द ब्रिटिश ब्रिटिश लोग की वजह से हुए द अपराइजिंग ऑफ कोलीज तो ये हम नए पार्ट में आपको लेके आते हैं और जल्द ही आज ये लेसन शायद कंप्लीट हो जाए इसके पार्ट कल भी आएंगे तो पहले अब मिलते हैं आपको न्यू पार्ट में